जल्द ही ऑन एयर होने जा रहा मोस्ट अवेटेड शो इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 3 के शो मेकर एंड प्रोड्यूसर गुल खान ने अब फाइनली काफी कुछ शेयर कर दिया है शो के बारे में और शो में सनाया को ना लेने के बारे में भी। बता दें आपको कि हाल ही में गुल खान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने इस अपकमिंग एंड मोस्ट अवेटेड शो के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया। बता दें कि गुल खान ने अपने ऊपर हो रहे ट्रोल्स को और पर्सनल कमेंट्स को लेकर भी फैंस से किसी भी तरह की नाराजगी नहीं जताई है। अपने अलग शोज को लेकर अपना नाम खुद बनाने वाले गुल खान ने कहा है कि इस तरह के हेट ट्रोल्स पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहती हैं। गुल खान आगे कहती हैं कि ये बस कुछ चुनिंदा लोग हैं जो फेक आईडी बनाकर बस ट्रोल ही कर सकते हैं और शो को ना देखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर फैंस को सिर्फ एक्टर से मतलब होता तो आज सारे शो सुपरहिट होते। और साथ ही इस प्यार को क्या नाम दूं के तीनों सीजन अपनी लव स्टोरी और वरुण सोबती की बदौलत है ना कि किसी और के। गुल खान ने आगे ये भी कहा कि ये शो अब एक ब्रांड बन चुका है जिस ब्रांड को अब हम वरुण के साथ आगे लेकर जा रहे हैं और हम जानते हैं कि इस बार भी ये शो लोगों को बेहद पसंद आने वाला है। वेल दैट्स द स्पिरिट गुल एंड सीरियसली फैंस जो अब्यूज करते हैं उन फैंस को भी हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह किसी भी प्रोड्यूसर को पर्सनली टारगेट करना बेहद गलत है। अगर आप प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो बहुत कुछ देखकर ही प्रोड्यूसर्स को अपना फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है। उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है और उनकी टीम को लेकर उनको साथ चलना होता है और इस तरह गुल को पर्सनली टारगेट करके शायद वो लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। वेल आपको क्या लगता है कि इस तरह फैंस का गुल को पर्सनली टारगेट करना सही है? जरूर शेयर कीजिए हम सबने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू जहां आपको मिलेगी अपने इस फेवरेट अपकमिंग शो से जुड़ी हर फेवरेट खबर। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट।